खबर है मिर्जापुर से। मणिपुर के राज्यपाल ने किया माता विंध्यवासिनी का दर्शन। माता विंध्यवासिनी के धाम में शनिवार की शाम पहुंचे मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन ने माता विंध्यवासिनी की सविधि पूजन अर्चन की। वह काशी में आयोजित तमिल समंगलम समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद वह विंध्य धाम में पहुंचकर दर्शन किए। पौराणिक मंत्रों के साथ ला गणेश ने दर्शन पूजन किया। कहा है कि काशी में चल रहे तमिल संगमम कार्यक्रम में आने का मौका मिला था। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। माता के धाम में दर्शन पूजन करने के बाद राज्यपाल ने धाम में विराजमान देवी देवताओं का पूजन किया, लघु त्रिकोण व प्रार्थना किया। बताया कि वाराणसी में चल रहे तमिल संगमम में प्रतिदिन तमिलनाडु से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। अब तक हजारों लोगों ने संगमम समारोह में प्रतिभाग किया है। विंध्य कॉरिडोर के निर्माण कार्य को देख प्रसन्नता जाहिर किया और इसके संदर्भ में कहा कि कॉरिडोर से लोगों के आने जाने की तादाद बढ़ गई। इस मौके पर नगर विधायक रत्नाकर मिश्र, AGM श्री प्रताप शुक्ला, नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह, नगर क्षेत्राधिकारी परमानंद कुशवाहा, सदर क्षेत्राधिकारी शैलेश त्रिपाठी, SDS सदर चंद्रभान सिंह, सदर तहसीलदार धाम सुरक्षा प्रभारी चंद्र प्रकाश पांडे, थाना विधायक इंस्पेक्टर अतुल राय, धाम चौकी प्रभारी दयाशंकर ओझा आदि लोग उपस्थित रहे। मिर्जापुर के विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट। कल वाराणसी में काशी में एक सम्मेलन चल रहा है, तमिल संगमम। वैसा तमिलनाडु से बहुत लोग, सैकड़ों लोग से आ रहे हैं। पूरा एक महीने में हजारों लोग आएंगे तमिलनाडु से। इसमें भाग लेने के लिए मैं आया, लेकिन जाने के बाद मैं देवी मंदिर के बाद मैं सुना, इसलिए मैं आने के लिए इच्छा प्रकट किया। बहुत आनंद हो गया दर्शन हमें करने।